एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आप सबको हैप्पी दिवाली। तो अक्सर हम दिवाली पे खिलौने लाते हैं, तो उसमें से खिलौने तो यूज हो जाते हैं पर खील बच जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि हम इस खील का क्या करें। तो आज मैं इसी खील से एक बहुत ही बढ़िया सी और हेल्दी सी रेसिपी आपको बनाना बताऊंगी। तो इसके लिए लिए मैंने ये खील जो कि बच गई है, और इन्हें मैंने अच्छे से साफ कर लिया। इसमें कुछ छिलके वगैरह होते हैं, उनको आप साफ कर दें। इसके साथ ही लिया मैंने गुड़, और ये कुछ लिए मैंने ड्राई फ्रूट्स। यहाँ पे मैंने बादाम और पिस्ता को दरदरा सा पीस लिया है, और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़े से डालूंगी खरबूजे के बीज, क्योंकि इससे उसका टेस्ट काफी अच्छा हो जाएगा। तो खील को साफ करने के लिए सबसे पहले मैंने कढ़ाई को गैस पे चढ़ा दिया, और इसे मैं भून लूंगी। तो इसे भूनने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 से 2.5 मिनट में ये भून जाएंगी। तो ये जो लड्डू है 5 से 6 मिनट में बन जाते हैं, और इसे आप काफी टाइम तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो इसे अब हम भून लेंगे, और भूनते हुए हम इसको बीच बीच में चेक करते रहेंगे कि हमारी जो खील है जब तक क्रिस्पी ना हो जाए, हम इसे भूनते रहेंगे। ये क्रिस्पी बहुत ही जल्दी हो जाती है, 2 से 2.5 मिनट ही लगेंगे इसको। यहाँ पे गैस को मैंने लो टू मीडियम रखा हुआ है। 2 से 2.5 मिनट इस खील को भूनते हुए हो गए हैं, मैंने इसको चेक भी कर लिया। अब ये बहुत क्रिस्पी सी हो गई, हाथ में आते एकदम से टूट रही है। आप देख रहे थोड़ा सा ब्राउन सा कलर भी हो गया, उसमें से एक बहुत अच्छी सी खुशबू भी आनी शुरू हो गई। अब इसे एक मैं प्लेट में कर लूंगी ट्रांसफर, निकाल लिया। अब इसे हम हाथ की हेल्प से, क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी है तो आपको देख रहे होंगे कि आवाज भी आ रही है, आपके हाथ की हेल्प से ही ऐसे छोटा छोटा इसको, मतलब बिल्कुल बारीक इसका पाउडर नहीं बनाना है, दरदरा से इसका ये पाउडर बना लेंगे। हम हाथ से ही बना लेंगे क्योंकि ये आराम से हाथ से ही हो जाएगा। इधर कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया, और उसके अंदर मैंने डाल दिया थोड़ा सा घी, बिल्कुल थोड़ा सा घी डाला है, क्योंकि ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी बनेगी, बहुत ही हेल्दी रहेंगे लड्डू, और बच्चों के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। जैसे घी थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, इसके अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट थे जिन्हें थोड़ा सा दरदरा सा कूट लिया था, उन्हें इसके अंदर थोड़ा सा भून लेंगे ताकि अच्छे क्रिस्पी से हो जाए। इसके साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से खरबूजे के बीज, इन्हें भी साथ ही भून लेंगे। इन्हें थोड़ा बाद में डालें, नहीं तो ये उछलते हैं। अब बादाम और ये डालने के बाद इनको इनके अंदर डालें। आप खरबूजे के बीज अगर कभी भी भूनते हैं तो एक प्लेट ले लें, क्योंकि खरबूजे का जो बीज होता है वो भूनने के बाद उछलता है। तो एक प्लेट की हेल्प से, और बिल्कुल लो गैस पर ही इन्हें भूने। तो आप देख रहे हैं ये अच्छे से अब क्रिस्पी हो गए हैं, और बीज भी भून गए हैं। अब इसके अंदर मैं डालूंगी एक गुड़, और गुड़ को अब हमने करना है मेल्ट। तो इसे मेल्ट होने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा हिलाते हुए। देख रहे हैं कि जो गुड़ है वो मेल्ट हो गया। गुड़ को मेल्ट होने में 1-1.5 मिनट ही लगा, और गैस को मैंने कर दिया बंद। आपको यहाँ पे इस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि जैसे ही गुड़ मेल्ट हो जाएगा हमें गैस को बंद कर देना, नहीं तो अगर गैस चलती रहेगी तो हमारे जो लड्डू हैं वो बहुत टाइट हो जाएंगे। अब इसके अंदर हम आप देख रहे हैं कि जो मैंने खील थी उन्हें अच्छे से क्रश कर लिया हाथ से दरदरा सा, इसे मिक्स कर देंगे। यहाँ पे गैस को मैंने बंद किया हुआ है, अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे गुड़ हमें इतना डालना है कि हमारी जो खील है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब ये हल्का सा हो गया, अब ठंडा। अब इसे मैं अच्छे से हाथ की हेल्प से और मिला लूंगी, और इसके बाद मैं बनाऊंगी इसके लड्डू। यहाँ पे आप इसकी बर्फी भी जमा सकते हैं। तब मैं इसके, अभी ये थोड़ा सा हल्का सा गर्म है, जैसे ही हल्का सा ठंडा हो जाएगा मैं इसके लड्डू बना लूंगी। वो हल्का सा गर्म है, अभी मैं इसके बना रही हूँ लड्डू। तो आप ये ध्यान रखिये जब मिक्सचर थोड़ा गर्म हो तभी इसके ये लड्डू बनाए, तो बहुत ही हेल्दी और टेस्टी लड्डू बनते हैं। और इसे आप बनाकर एक बार रख सकते हैं, और काफी टाइम तक इसको स्टोर करके भी रख सकते हैं। बहुत ही कम घी तेल में और बिना चीनी के गुड़ के साथ ही लड्डू एक बार आप जरूर अपने घर में ट्राई कीजिए। तो अभी मैं ये सारे लड्डू बना लेती हूँ। तो बची हुई खील से ये बहुत ही हेल्दी से लड्डू बनकर तैयार है। ड्राई फ्रूट्स डालने से ये और भी हेल्दी हो गए, और बहुत ही कम घी तेल में और गुड़ के साथ बने तो और भी ज्यादा हेल्दी है। तो आप अपने घर में एक बार ये लड्डू जरूर ट्राई कीजिए अगर आपके पास खील बची हुई है। तो ये इसे हम काफी टाइम तक स्टोर भी करके रख सकते हैं, और जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो तो आप ये हेल्दी सी मिठाई घर में खा सकते हैं। तो अगर आपको मेरी बची हुई खील की लड्डू की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।